तो हमने पहले टॉपिक में बात की कि एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन के अंदर रखना, बाकी को प्रोटेक्शन से बाहर कर देना। दूसरा, एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करना, रेस्ट ऑफ एरिया अनप्रोटेक्टेड हो, तो इसका हमें ऑफिस में यूज क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको करके दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे नेम लिखा, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिखा, यहाँ पे एमआरपी, और यहाँ पे हमने दिया अमाउंट, और यहाँ पे मैंने लगाया जीएसटी, यहाँ पे लगाया कमीशन, और यहाँ हमारा टोटल, देन हमारा डेट है एंड टाइम, और भी चीजें हो सकती है, लाइक रखते हैं। तो जो हमारा अमाउंट है वो है हमारा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, और जीएसटी जो है हमारा 18% है, और कमीशन हमारा अमाउंट का 2% है, और टोटल इन सबों का टोटल, मतलब जो मेरे चार कॉलम है, ये चार कॉलम फॉर्मूले से है। अब मैं डेटा एंट्री करता हूं, तो मैंने क्या लिखा, नाम यहां पे लिखा, मैंने क्वांटिटी लिखा, एमआरपी लिखा, जैसे टैब दिया, बाकी कैलकुलेशन खुद ब खुद हो गया। फिर मुझे डेट डालने के लिए 4 सेकेंड का टाइम वेस्ट करके मुझे डेट पे जाना होगा, देन टाइम पे जाना होगा। अब मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं कि मैं जब यहां से कर्सर मूव करूं तो मेरा कर्सर डायरेक्ट यहां से उठ के यहां जंप कर जाए, और यहां से करूं यहां जंप हो जाए, मतलब कि ये जो एरिया है ना, सिलेक्ट हो ना, चेंज हो ना, एडिट हो ना, इसके अंदर की फॉर्मूले किसी को पता चले। ओके, तो कैसे करें इसके लिए, तो सबसे पहले हम इसी मेथड को, जो मेथड इस मेथड को अपनाया था, इसी मेथड को अपनाएंगे, पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इसकी लॉक को अनचेक कर देंगे। उसके बाद एक सिलेक्टेड एरिया, जो भी हमारा फॉर्मेटेड एरिया, जो फॉर्मुलेट एरिया है जिसपे फॉर्मूला लगा है, इसपे हमें टाइप नहीं करना, उसको सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट सेल और इसके ऊपर वापस लॉक लगा देंगे। तो अभी जो है डी ई एफ जी चार कॉलम जो है, इट्स प्रोटेक्टेड, मतलब कि प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, बाकी प्रोटेक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। पासवर्ड डालने के बाद इस पे सब पे टाइप होगा, इस पे टाइप होगा, बट इस पे टाइप नहीं होगा, लेकिन मैं टाइप के साथ साथ कर्सर भी मूव नहीं करना चाहता हूं। तो प्रोटेक्ट करते समय यहां अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट में, जिसमें डिफॉल्ट सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल, तो हमारा लॉक के सेल कौन सा है, डी ई एफ जी, इसको हम सिलेक्ट नहीं करना चाहते, तो यहां से परमिशन को अनचेक कर देता हूं। सिलेक्ट अनलॉक सेल, तो इसके अलावा सारे कॉलम जो है अनलॉक होने चाहिए, तो इसको मैं कीप रहने देता हूं। पासवर्ड डाला, देन ओके। अब देखिए मैं यहां पे डालता हूं ओम, अब देखिए कर्सर मूव हो रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट कर्सर यहां चला गया। मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता, अगर सिलेक्ट नहीं करूंगा तो फॉर्मूले वगैरह भी नहीं देख पाऊंगा ना सर, तो इससे हमारा टाइम बचेगा। तो आपके पास कोई बड़ा से डेटा है जिसमें करीब 20-25-30 कॉलम्स है, उसमें से आप 5-7 कॉलम पे टाइप करते हो, बाकी कॉलम खुद ब खुद कैलकुलेटेड है, तो उस पर आप इस तरह की चीजें लगा सकते हो ताकि कर्सर आप वही पर जाए, इसके अलावा कहीं और ना जाए, राइट सर।